हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रसोई खास में। आज हम बनाएंगे भंडारे में मिलने वाली मेरी फेवरेट सब्जी, काले चने की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना काले चने की सब्जी को। ये सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए रात भर भीगे हुए काले चने, साबुत जीरा, साबुत धनिया, अदरक, हरी मिर्च, नमक, कसूरी मेथी, हींग और अमचूर पाउडर। अब एक कुकर में डालें एक कप रात भर भीगे हुए चने और स्वाद अनुसार नमक और डालें 1.5 कप पानी। अब कुकर बंद कर दें और तेज़ आंच पे 3 सीटी और धीमी आंच पे 2 सीटी आने दें और फिर कुकर ठंडा होने के लिए साइड में रख दें। तब तक दूसरी कढ़ाई में 1.5 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालकर थोड़ा सा भून लें। फिर डालें इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर और इसे हल्का सा भून लें और फिर इसे पीस लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें डालें चुटकी भर हींग, 1/2 चम्मच ज़ीरा और जो मसाला तैयार किया था धनिया, ज़ीरा और आमचूर का, वो डाल दें। फिर डालें लाल मिर्च, मैंने करीब 1.5 चम्मच ली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आंच धीमी रखें वरना लाल मिर्च जल जाएगी। फिर डालें उबले हुए काले चने और अब इसे कढ़ाई में बॉईल होने दें, मसालों के साथ मिलने दें। पानी थोड़ा कम हो गया है, अब मैंने इसमें से थोड़े से चने निकाल लिए हैं, इसको मैं पीस लूँगी और फिर वापस ग्रेवी में डाल दूँगी, इससे ग्रेवी टेस्टी हो जाएगी और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे मिक्स कर लें और अगर आपको ग्रेवी वाला बनाना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे ग्रेवी वाला बनाना था, तो मैंने यहाँ पे करीब 1 कप पानी और ऐड करा है और इसे बॉईल होने दिया है। अब एक तड़का पैन में दूसरी तरफ थोड़ा सा तेल डाल दें और डाल दें थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब मैंने डाल दिया है किसा हुआ अदरक, या आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको अब हम थोड़ा सा भूनेंगे और हमारी ग्रेवी में तड़का लगा देंगे। और ये गया तड़का, अब हम इसे तुरंत ढक देंगे। करीब 1-1.5 मिनट बाद ढक्कन हटा लें और तड़के को मिक्स कर दें। अब डालें कसूरी मेथी, गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और जो हमने मसाला पहले तैयार किया था धनिया, ज़ीरा और अमचूर पाउडर का, वो थोड़ा सा इसमें डाल दें और मिक्स कर लें। तो लीजिए, चने की सब्जी तैयार है। आप ये ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी ईटिंग, जय हिंद, जय भारत।